नमस्कार, हिंदुस्तान टुडे देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ भूमिका। आइए देखिए खबर। खबर नसीलगंज से है। कोरोना संक्रमण की जांच रिपोर्ट पॉजिटिव आते ही मरीज नर्वस हो जाते हैं और परिजन तनाव में आ जाते हैं। ऐसे में कोविड केयर सेंटर में भर्ती कई मरीज दूसरे मरीजों का उत्साहवर्धन करें, उन्हें योग और प्राणायाम कराएं तो निश्चित ही मरीजों के स्वास्थ्य में तेजी से सुधार आएगा। साथ ही अन्य कोविड के मरीजों के लिए अनुकरणीय और प्रेरक भी होगा। सीहोर जिले के लातकुई निवासी दीपक मालवीय ऐसे ही कोरोना योद्धा हैं, जिन्होंने नसुलागंज कोविड सेंटर में भर्ती होने के बाद वहां के सभी मरीजों का निरंतर उत्साहवर्धन करते रहे। प्रशिक्षकों के साथ ही वे भी प्रतिदिन उन्हें योग और प्राणायाम कराते रहे। वार्ड में जब कोई बुजुर्ग और मरीज मदद के लिए बुलाता था तो वे तुरंत उनके पास पहुंच जाते थे, नर्वस होने पर उत्साह बढ़ाते और परिवारजनों से मोबाइल पर बात भी करा देते थे ताकि उनकी हिम्मत बनी रहे। दीपक मालवीय ने बताया कि 29 अप्रैल को सर्दी जुकाम बुखार आने पर तुरंत कोविड टेस्ट करवाया, जिसमें उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई। बिना घबराए हुए नसुलागंज स्थित कोविड केयर सेंटर में भर्ती हो गए। उन्होंने बताया कि कोविड सेंटर के स्टाफ का सहयोगात्मक व्यवहार सराहनीय है। नसुलागंज से पवन माहेश्वरी की रिपोर्ट।